अलीगढ़ के हरदुआगंज से थाना अध्यक्ष की बेरहमी का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। यहाँ कड़ाके की ठंड में थाना अध्यक्ष ने साधु को 12 घंटे तक हवालात में बंद रखा। इतना ही नहीं, थाना अध्यक्ष ने साधु के कपड़े भी उतरवा लिए। बताया ये जा रहा है कि जमीन को लेकर कुछ दबंगों से साधु का विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने साधु के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस उल्टा साधु को ही हवालात लेकर आ गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, किस तरीके से बदसलूकी नजर आई है थाना अध्यक्ष की। प्रमोद हमारे सहयोगी अलीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, तफसील से जानकारी चाहेंगे, आखिरकार विवाद साधु का कुछ दबंगों के साथ था, साधु की पिटाई भी होती है, थाना अध्यक्ष जो है वो साधु को ही ले आते हैं, और ये तरीका, ये कोई तरीका होता है? प्रमोद, श्वेता मैं आपको बता दूं कि कड़ाके की ठंड में इतनी भयंकर ठंड है कि लोग घरों से निकलना भी उचित नहीं समझ रहे, यानी ठंड को देखते हुए। बावजूद इसके जो SHO हरदुआगंज है वो एक जमीनी विवाद के चलते साधु जो थे उन्हें वड़ासी गांव से, यानी उनके साथ मारपीट हुई, उल्टा उन्हें पकड़ कर ले आए। पकड़ के लाने के बाद उन्हें हवालात में लगभग 12 घंटे के लिए बंद रखा और उनके साथ पुलिस द्वारा भी मारपीट की है, साथ ही जो दबंग थे उन्होंने तो मारपीट की थी। इसके बाद इस ठंड में एक साधु को निर्वस्त, यानी कपड़े भी उनके शरीर पर नहीं थे, बावजूद इसके पुलिस ने बंद रखा। अगर कार्रवाई की बात करें, वीडियो वायरल लगातार हो रहा है और कार्रवाई अभी तक अलीगढ़ SSP या DIG की तरफ से कोई भी थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि साधु ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आगे भी इस मामले को लेकर चाहे उन्हें धरने पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो साधु लगातार भागते रहेंगे। हालांकि देखिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के DGP लगातार पुलिस को सभ्यता का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं। और नहीं, आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है क्या प्रमोद? कोई अधिकारी बोलने को तैयार हुए थाना अध्यक्ष से, क्या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? मामले में SSP आकाश कुलहरी को मेरे द्वारा कॉल भी किया गया, मैंने फोन पे बात भी की उनसे और उन्होंने सीधे मुझसे कहा कि जो वायरल वीडियो है वो मेरे पास भेज दो। वीडियो मैंने भेज दिया, बावजूद उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में पूरे मामले पर अपना वर्जन या अपना पक्ष रखूंगा। बावजूद अभी तक वो कोई पक्ष नहीं रख पाए, मैंने दोबारा कॉल मिलाकर उनसे संपर्क करने का प्रयास किया मगर उनका फोन नहीं उठा। जी श्वेता जी, तो अभी फिलहाल हवालात से बाहर हैं साधु, और उनका क्या कहना है, वो अब किस तरह की न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात श्वेता देखने को ये मिली कि जिस साधु के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई और वो न्याय के लिए खुद थाने जाता है, बावजूद पुलिस उल्टा कर देती है, यानी उसी साधु को हवालात में बंद कर देती है, बंदी के साथ साधु के हवाला हथकड़ी भी डाल देती है। हालांकि लिखापढ़ी में साधु के साथ कोई भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और बावजूद उसे हवालात में काफी देर तक रखा, लगभग 12 घंटे हवालात में रखा, हवाला हथकड़ियां डाल दी और निर्वस्त ठंड में जिस कपड़े तक साधु के शरीर पर नहीं है। हालांकि चलिए उम्मीद करते हैं कि SSP साहब जो हैं अलीगढ़ के वो आपके मैसेज का जवाब दें, और अगर वो जवाब देते हैं तो आप जरूर बताइए, हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार कोई कार्रवाई हुई भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए।